आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हाफिज सईद को लाहौर से गिरफ्तार किया। वो लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था। गिरफ्तारी के बाद हाफिज सईद को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस दौरान हाफिज सईद ने कहा कि मैं अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। इससे पहले सोमवार को लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत ने मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के प्रमुख आतंकी सरगना हाफिज सईद और तीन अन्य को जमानत दे दी थी। तो भारत को कह सकते हैं कि कूटनीतिक जीत मिली है। भारत के दबाव का असर देखने को मिला है और टेररिज्म काउंटर विभाग की तरफ से हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी हाफिज सईद की गिरफ्तारी हुई है। लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था जिस वक्त की गिरफ्तारी की गई है। और अब जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में लिया गया है हाफिज सईद को, कह सकते हैं कि भारत को एक कूटनीतिक जीत मिली है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड के तौर पर हाफिज सईद जाने जाते हैं और हाफिज सईद को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बताया जाता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 100 ऐसे इदारे हैं, 100 ऐसे विभाग हैं जिनमें कि हाफिज सईद दखल रखता है। हाफिज सईद को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आतंकी हाफिज सईद गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर से गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है कि हाफिज सईद लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था, इसी दौरान पाकिस्तान के पंजाब की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। टेररिज्म काउंटर विभाग है ये और उसकी तरफ से ये गिरफ्तारी की गई है। वहीं कोर्ट में पेश किया गया हाफिज सईद को और उसके बाद न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। हाफिज सईद मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है और इसके अलावा जमात उद दावा के प्रमुख भी हैं आतंकी सरगना हाफिज सईद और तीन अन्य को जमानत भी पहले दे दी गई थी और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर में लाहौर से गुजरांवाला जा रहे थे जिस वक्त की गिरफ्तारी की गई। भारत के दबाव का असर कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब पूरी दुनिया के सामने अपने आतंकी चेहरे से अलग एक अलग चेहरा बनाना चाहता है, जिसमें कि अब इस कार्रवाई के बाद कह सकते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान पूरी दुनिया से आतंकवाद को रोकने के लिए मदद लेता है और अब सचमुच आतंकवाद पर लगाम लगाता हुआ प्रतीत हो रहा है। कर्नल विपिन पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विपिन पाठक जी, जिस तरीके से हाफिज सईद को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया है, क्या कहना चाहेंगे, भारत की कूटनीतिक जीत? देखिए, ये पहली बात तो हो रही है कि हाफिज सईद को पकड़ा है। आज जो इनके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जब ये गुजरांवाला जा रहे थे इसको 23 चार्जेस के अंदर जुडिशियल कस्टडी में लिया है और ये कह के कि इनके जो 5-6 ट्रस्ट है जो कि टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, पहले इन लोग ने जमात उल दावा और फलियत इंसानियत को बैन कर चुके हैं और आज इनने ये ट्रस्ट के ऊपर भी अपना गौर डाला हुआ है, बोला कि ये लोग सब टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हैं। दावत इरशाद ट्रस्ट, मोइन बिन जबाल ट्रस्ट, अल अनफाल ट्रस्ट, अल मदीना फाउंडेशन, अल अमीर ट्रस्ट, ये सब टेरर फाइनेंसिंग में थे और ये सब डायरेक्टली हफीज सईद के अंडर काम करते थे। और ये पहली बार ये नया हुआ है कि ये ट्रस्टों के ऊपर इनने अपनी नजर फेरी है और इनके ऊपर एक्शन लिया गया है। ये इसलिए नहीं लेके लिया गया है कि भारत उनको प्रेशर डाल रहा है, वो खुद ही प्रेशर में है, बिकॉज अक्टूबर तक उनने कुछ करके दिखाना है, जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की डिमांड है कि आपने जो ये टेरर आउटफिट्स को सपोर्ट करते हैं और फाइनेंसिंग करते हैं, ये सब चीज बंद होनी चाहिए और जो भी आपके इलाके में है उनकी एक्टिविटीज बिल्कुल हॉल्ट होगी और स्टेट कहीं इन्वॉल्व नहीं होगा, तभी फिर इनको जो फाइनेंशियल है क्राइसिस इनकी चल रही है थोड़ी रिजॉल्व हो जाएगी। मगर आप टाइमिंग देखिए, कल इनने भारत का एयर स्पेस खोला है, हमारे लिए प्लेन जा सकते हैं पाकिस्तान के थ्रू और आज या कल में इमरान यूएसए भी जा रहे हैं और ट्रंप से मिलना है तो वो जब ट्रंप से बातचीत करेंगे वो जरूर कहेंगे कि भारत ही हमसे बात करने को तैयार नहीं हो रहा है और हम लोग अपना दोस्ती का हाथ बटा रहे हैं, हमने एयर स्पेस भी खोल दी है, हमने हफीज सईद को भी सईद को पकड़ लिया है, जुडिशियल रिमांड में डाल दिया है। अब जुडिशियल रिमांड का मतलब ही समझ में नहीं आता, वो तो आराम करेगा, ही इज नॉट इन पुलिस रिमांड की जहां उसकी क्वेश्चनिंग हो, इंट्रोगेशन हो, वो तो है नहीं।
तो ये सिर्फ एक अगेन दुनिया को बेवकूफ बनाने का तरीका है, ये अक्टूबर तक यही करते रहेंगे जी। चाहे ये हुआ, चाहे अपना जैश का बंदा है मौलाना क्या नाम है उसका, असद, तो उनको भी वो लोग ऐसे ही पकड़ेंगे और अक्टूबर तक दुनिया को दिखाएंगे कि हमने एक्शन ले लिया है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है मिलिटेंट एक्शन की। और तीसरी मोर इम्पोर्टेंट चीज ये बताएंगे कि देखिए कश्मीर में भी अभी हालत काफी सुधरे है, बहुत कम इंसिडेंट्स हो रहे हैं स्टोन पेल्टिंग के या मिलिटेंट एक्टिविटीज के। नो डाउट एक आदमी आज एक लश्कर का सोपोर में मारा गया है इनकाउंटर में एंड कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो वो भी यूएसए को बताएंगे देखिए हम लोग तो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, हर जगह कंट्रोल में आ रहा है और हमें आप लोग ये वर्ल्ड बैंक को बोलिए कि पैसा देंगे, आईएमएफ पैसा देगी और एफएटीएफ को बताइए आप लोग कि हम लोग ने कार्रवाई की है और हमें ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए जी। तो जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है कि पूरी दुनिया के सामने ये दिखाने का एक प्रयास है कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो ऐसे कई ऐसे महकमे हैं जहां पर कि इस तरीके के ट्रस्ट चल रहे हैं, इस तरीके से टेररिज्म को फंडिंग हो रही है, क्या उस पर पाकिस्तान कभी भी रोक लगाना चाहेगा? नहीं, वो कभी रोक नहीं लगाया जाएगा। देखिए पाकिस्तान क्या करता है, जैसे ये 5 ट्रस्ट मैंने आपको बता दिए हैं जी, इनके ऊपर वो एक्शन दिखा देंगे पेपर में जी, और दूसरे दिन अलग नाम से ट्रस्ट बन जाएगा जी। तो ये सालों से यही करते रहे, इनकी टैक्टिस ही यही है, जबकि प्रेशर पड़ता है वो नाम बदल देते हैं जी। हम लोग को कहेंगे, दुनिया को कहेंगे देखो हमने ये ट्रस्ट को बैन कर दिया, इनके ऊपर एक्शन ले लिया है, और आज तक अगर आपको कोई डिटेल पता हो जो भी ये नुमाइंदे इनके हैं उनके नाम से अगर आप पता करिए, कभी कोई नाम आगे आए हैं नहीं आए हैं, सिर्फ हफीज और इनके छोड़ के, बट जो कि मिड लेवल स्टाफ है इनका, ये जो मेन ऑपरेटर्स हैं ये ट्रस्ट के, उनके नाम ही नहीं लोगों को पता है। पाकिस्तान में जरूर पता होगा वो कहाँ गिरफ्तार हुए कभी, वो सिर्फ उनको वो लोग टॉप वाले को कर लेते हैं और नीचे वाले को बोल देते हैं कि भाई साहब आप एक दूसरा ट्रस्ट खोल लो, आप ये प्रेशर में है हम लोग, इसको आप बंद करिए जी। ये सिर्फ एक फंडिंग के लिए ही किया जा रहा है एक कदम है कि ताकि किसी तरीके से पाकिस्तान को और लोन मिल सके। हाँ, बेसिकली वो ग्रे लिस्ट से हटना चाहते हैं जी। अभी आप देखिए ना, उनकी इकोनॉमी इज इन डोल्ड्रम्स जी, उनके पास बहुत प्रॉब्लम है। पहले तो ये था कि चाइना खुले हम इनको सपोर्ट कर देता था फाइनेंशियली, बट अब चाइना भी कितने देर तक करेगा आप वो भी देखिए ना, अभी चाइना इनके डिक्टाट्स को फॉलो कर नहीं रहा है। अभी पहली बात चाइना हैज गॉन अगेंस्ट मौलाना मसूद अजहर जो आपने पढ़ा हुआ है जी, और दूसरा उनने एक इनके कोई मिलिटेंट लीडर को भी क्रिटिसाइज किया है फॉर सपोर्टिंग जिनजियांग में जो इनका मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जी, मुस्लिम इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनजियांग प्रोविंस में, उनको सपोर्ट करने के लिए चाइना ने काफी क्रिटिसाइज किया हुआ है जी। एंड प्लस चाइना ने सीपैक की फंडिंग जो है पैसा जा रहा है उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग शुरू कर दी है जी। जी कर्नल विपिन पाठक जी हमारे साथ बने रहिए, आपका फिर रुख करेंगे, फिलहाल रुख करते हैं एक और खबर का। तो आपको बता दें कि आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।